नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड अकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है हिंदी आशुलिपि श्रुत लेखन डिक्टेशन ओपी शुक्ला आईटीआई हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा तथा अन्य भाषाओं के प्रश्नों पर मैं इस समय चर्चा नहीं करना चाहता। विराम, इन दोनों विषयों पर चर्चा भाषा विधेयक के आने पर की जाएगी। इस समय मैं यह चाहता हूँ कि पहले इस बात पर विचार करें कि शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा हो। मेरे विचार में शिक्षा के हित में इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि अपने देश में मातृभाषा को या जिसको हम अपने देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं उसको शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। विराम, उच्चतम शिक्षा का माध्यम भी मातृभाषा होनी चाहिए। विराम, इसमें पाठ्य पुस्तकों की कठिनाई हो सकती है, लेकिन यह कहना कि जब तक पाठ्यपुस्तकें न बन जाएं तब तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाए। विराम, यह गलत तर्क होगा। यह तर्क अपनाया गया तो हम कभी भी मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बना पाएंगे। विराम, यह तो वही बात हुई कि जब तक मैं तैरना नहीं सीख लूँगा तब तक पानी में पैर नहीं रखूँगा। विराम, इस तरह तो मैं समझता हूँ कभी तैरना नहीं सीखा जा सकता। विराम, इसलिए किसी तरह एक बार पानी में कूद जाएं, एक बार यह फैसला ले लें कि मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा और तत्काल यह फैसला लेकर शिक्षा शास्त्रियों से कहा जाए कि वे तेजी से पाठ्यपुस्तकें तैयार करें या उसका अनुवाद करें। विराम, पैरा, विज्ञान की शिक्षा के बारे में कहा जाता है कि विज्ञान की पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा में होने से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। मैं इस बात को नहीं मानता। मैं तो यह मानता हूँ कि मातृभाषा में विज्ञान की शिक्षा देना सबसे आसान है। समाजशास्त्र की शिक्षा को मातृभाषा के माध्यम से सिखाने में शायद कुछ समय लगे, उसकी पाठ्यपुस्तक बनने में शायद कुछ समय लगे, लेकिन विज्ञान की पढ़ाई के बारे में यह बात नहीं कही जा सकती। विज्ञान के फार्मूले ज्यों के त्यों रखे जा सकते हैं, विज्ञान की शब्दावली को भी ज्यों का त्यों रखा जा सकता है। केवल उन्हें मातृभाषा में समझाना है, इसलिए विज्ञान की पुस्तकें और विज्ञान की शिक्षा के लिए मातृभाषा को माध्यम बनाने में कोई समय लगने वाला नहीं है। विराम, चूंकि हम अपनी शिक्षा नीति में सबसे अधिक जोर विज्ञान पर देने वाले हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह सबसे अच्छा कार्य होगा यदि हम मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लें। विराम, पैरा, अध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में एक बात और बहुत अच्छी कही गई है और वह यह है कि हमें अपनी शिक्षा में विज्ञान को अधिक महत्व देना होगा। आज की दुनिया में यदि हम तेजी से प्रगति करना चाहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान की शिक्षा पर सबसे अधिक
जोर दिया जाना चाहिए विराम, लेकिन इसके साथ साथ श्रीमान मैं यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ हमें अपने बच्चों की अन्य विषयों की शिक्षा पर भी महत्व देना चाहिए विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें शेयर करें। धन्यवाद।